लेकिन 3D में जो उन्होंने बनाया उस लाइक 3D लाइक नहीं था, 2D सही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इसको 2-3 बार मूवी देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए कुछ बता नहीं सकता स्टोरी के बारे में। क्या है, वन टाइम देखने लायक है, एक बार आप लोग देख सकते हैं वन टाइम। कुछ सीन जो आपको बुरे लगेंगे, जो बारिश हो रही है, आग जल रहा है खाली के लिए, बारिश में कोई आग जलाता है क्या? कोई नहीं ना। सो फिल्म आपने देखी, विक्रांत सोना क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में यही कहेंगे कि फिल्म ठीक ठाक है, मिला जुला के स्टोरी अच्छी है, लेकिन 3D में जो उन्होंने बनाया उस लाइक 3D लाइक नहीं था, 2D सही है। अच्छा, क्योंकि पिक्चर जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा 3D में दब हो जाता, कम हो जाता। अच्छा क्वालिटी। अच्छा, म्यूजिक की बात करें, सिनेमेटोग्राफी की बात करें, बाकी और चीज़ों की बात करें, एक्शन की बात, क्या क्या अच्छा लगा? मुझे एक्शन सही था। अच्छा, म्यूजिक एक्शन सही था। अच्छा, सीरीज तौर पर कहा जाए क्या पैसा वसूल है क्या? वन टाइम देखने लायक है। अच्छा, वन टाइम देखने लायक है। जैकलिन का काम भी इसमें दिखाया गया है, ये गाने में है, वो रेफरेंस उनके, उनका तो ज़्यादा सीन नहीं है उसमें, सिर्फ डांसिंग के लिए, बट सही था उनका, नो डाउट। क्या लगता है जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में अभी साउथ पिक्चर चल रही, तो क्या लगता है इसके एक्सेप्टेंस के चांसेस है? उसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ उतना। आपको कितनी पसंद आई वो बताइए, आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं विक्रांत रोना को? हाँ, एक्सेप्ट किया। अच्छा, चलो डबिंग के बारे में बात की जाए, हिंदी डबिंग कैसी है? हिंदी डबिंग अच्छी है। अच्छा, डबिंग अच्छी है, डबिंग नो डाउट। क्या, चलो 5 पीस क्या रेटिंग है सर आपकी? 4। थैंक यू। लोगों को कैसे अपील करेंगे आपकी मूवी देखते हुए? क्या है, वन टाइम देखने लायक है, एक बार आप लोग देख सकते हैं वन टाइम। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मूवी तो अच्छी है, काफ़ी मस्त मूवी बनाई गई है, विक्रांत रोना जो काम भी अच्छा सुधी, एकदम एक नंबर काम किया है। हाँ। कुछ कुछ सीन जो आपको बुरे लगेंगे। हाँ। जो बारिश हो रही है, आग जल रहा है खाली के लिए, बारिश में कोई आग जलाता है क्या? कोई नहीं ना। वो एक झाड़ पे चढ़ गए सबसे ऊपर, नीचे उसकी बाइक वहाँ है, झाड़ उधर है, गिरा वहाँ से डायरेक्ट बोल के बाइक भाग गया। वो सीन मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा। लेकिन मूवी एक नंबर है। क्या बात है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, एकदम कहीं का डरावना सीन आते, डर जाते हैं हम लोग खुद ऐसे सीन से कुछ मूवी के अंदर। क्या बात है। स्टोरी के बारे में बात करते हैं, स्टोरी आपको कितनी अच्छी लगी, क्या स्टोरी के बारे में? स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, स्टोरी 2-3 बार मूवी देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए कुछ बता नहीं सकता स्टोरी के बारे में। अच्छा, मेरा अगला सवाल ऐसा जी है कि लोगों ने पुष्पा को एक्सेप्ट किया, जी एक्सेप्ट किया, आरआर को एक्सेप्ट किया, क्या लगता है विक्रांत रोना के कुछ चांसेस है एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल करेंगे। जिनको सस्पेंस टाइप पिक्चर पसंद है तो वो कर देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मूवी को करेंगे वो लोग। अच्छा, देखेंगे। काम के बारे में बात करते हैं, किचन सुदीप का काम कैसा लगा, जैकलिन फर्नांडिस का काम कैसा लगा? जैकलिन ने काम तो थोड़ा सा, लेकिन जो काम किया उन्होंने एक नंबर काम किया है, थोड़ा सा काम मिलेंगे, अच्छा काम किया गाने में ये, और थोड़ा सा पहले थोड़ा सीन दिखाएगा उसका। अच्छा, अच्छा सीन है। इच्छा सुदीप का एक नंबर मूवी, अकेले बंदे ने खा गया अकेले, एक नंबर। क्या बात, इसके आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं सर के बारे में। एक ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है जो आपको पसंद आया हो, या फिर सबसे बेहतरीन पूरी पिक्चर में लगा हो? जो कुआं में गिरते हैं ना डायरेक्ट जात, जो हाँ वो सीन मुझे जबरदस्त लगा, नीचे जो सांपू बहुत हैं बहुत सारे, वो सीन एक नंबर लगा मुझे बस। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, लोगों को कैसे आप अपील करेंगे ये मूवी देखने के लिए, और जाते थे 5 बजे कितने रहेंगे? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार देखने की लायक है मूवी, एक बार आप आके देख सकते हो, कोई वो नहीं है, पैसा वसूल हो सकता है एक बार में। क्या बात है। और रेटिंग की बात करें तो मैं 3 दूंगा बस, 3 स्टार। क्या बात है, थैंक यू सो मच।